31 मार्च को अजय देवगन की फिल्म भोला रिलीज होने वाली है। फिल्म आने से पहले ही उसके एक एक्शन चेस सीक्वेंस को लेकर हल्ला मचा हुआ है। 6 मिनट के सीन को फिल्माने में 11 दिन लगे। बताया जा रहा है कि ये सीक्वेंस फिल्म के सबसे बड़े भौकाल मोमेंट्स में से एक होने वाला है। भोला तमिल फिल्म कैथी का ऑफिशियल हिंदी रीमेक है। भोला लार्जर देन लाइफ नुमा एक्शन सीन से लबरेज होगी, मगर अभी हम बात करेंगे साउथ से आने वाली उन फिल्मों की जिनका एक्शन लोगों को सिनेमा घर छोड़ने के बाद भी सालों तक याद रहा। तो चलिए शुरू करते हैं। केजीएफ से पहले प्रशांत नील ने उग्रम बनाई थी, उनकी पहली फिल्म, और पहली फिल्म वाली रॉनेस यहाँ दिखती भी है। कहानी का मुख्य किरदार है एक आम आदमी, अपने आसपास क्राइम होते देखता है और बस उसके खिलाफ खड़ा हो जाता है। कुछ वैसा ही जो 70 में अमिताभ बच्चन का एंग्री मैन किया करता था। प्रशांत के सिनेमा पर अमिताभ की फिल्मों का असर भी रहा है। खैर, उग्रम जिस टेम्पलेट पर बनी है वो सिनेमा की दुनिया में नया नहीं। हालांकि फिल्म के लिए सबसे कारगर फैक्टर साबित हुआ उसका एक्शन। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर भले ही नहीं चली, लेकिन उसने लोगों को इतना भरोसा दिला दिया कि संसाधन मिलने पर प्रशांत बड़ी एक्शन फिल्म बनाने का मादा रखते हैं। विवेकम का क्लाइमैक्स एक्शन सीन खासा पॉपुलर हुआ था। अजीत का किरदार विलेन बने विवेक ओबेरॉय को चेस कर रहा होता है, उसके बाद दोनों में गुत्थम गुत्थी होती है। फुल ड्रामेटिक सीन, हीरो जमीन पर धाराशाही पड़ा है, हीरोइन बिलख रही है, फिर चलती है आंधी, हीरो के सॉल्ट पेपर बालों में हरकत होती है, पैरों पर खड़ा होता है, अपने हाथों से विलेन को छीनने से पहले चीरता है अपनी शर्ट। ये ऐसा सीन है जहां हॉल में बेतहाशा तालियां सीटियां बजी। विवेगम एक फिल्म के तौर पर ही ऐसे सीटी मार मोमेंट्स का कलेक्शन है। लॉजिक के स्तर पर ऊपर नीचे भले ही हो, लेकिन फैन सर्विस करना नहीं भूलती। एक गांव है, वहां का मुखिया अपनी ही हवाबाजी में रहता है, लोगों का शोषण करता है। कहानी का हीरो चिट्टी बाबू उसके खिलाफ खड़ा होता है, लोगों का मसीहा बनता है। फिर से वही बात, दसियों बार कही चुकी कहानी, फिर इसे खास क्या बनाता है? डायरेक्टर सुकुमार का ट्रीटमेंट, उन्होंने ही पुष्पा भी बनाई है, रामचरण का स्वैग। फिल्म जर्नलिस्ट रंगस्थलम को रामचरण के बेस्ट कामों में से गिनते हैं। फिल्म में एक एक्शन सीन है, रात के अंधेरे में एक खेत में चिट्टी बाबू कुछ गुंडों से लड़ता है। उस सीन में जो हवा में मुक्का लात हुई, ऊपर से बैकग्राउंड म्यूजिक, पूरा माहौल टाइट हो जाता है। साल 2022 की सबसे ज्यादा कमाऊ इंडियन फिल्मों में रही थी विक्रम। इस फिल्म को सिनेमा घर में देखना तो किसी त्योहार की ही तरह था। फिल्म का इंटरवल ब्लॉक यादगार था, जब कमल हासन, फहद फाजिल और विजय सेतुपति के किरदार पहली बार मिलते हैं। विक्रम में जैसा एक्शन हुआ, उसके लिए हम धुआंधार जैसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। क्लाइमैक्स में कमल हासन का किरदार विक्रम मशीन गन लेकर गैराज से बाहर निकलता है, उसके बगल में उसका नवजात पोता है, और फिर अगले ही पल वो जब अपनी गन को फायर कर खाली करता है, आप सारा लॉजिक ढूंढना बंद कर देते हैं। इतनी आवाज के पास बच्चे को नहीं होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए वैसा नहीं, किसी भी बात पर ध्यान नहीं जाता। स्क्रीन पर जो आग निकल रही होती है वो दिमाग में जस की तस छप जाती है। अल्लू अर्जुन जब पुष्पा बनकर लकड़ी की स्मगलिंग नहीं कर रहे थे, तब वो एक आर्मी मैन थे। ऐसे लोगों को सजा देता जो कानूनी व्यवस्था में कोई पेश निकाल कर बच निकलते, उनके साथ वो अपने ढंग से इंसाफ करता। फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर ऐसा बम्पर रिस्पॉन्स मिला कि ये 2016 की दूसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली तेलुगु फिल्म बनी। फिल्म का स्क्रीन प्ले कमजोर था, उसकी आलोचना हुई, मगर तारीफ हुई फिल्म के लार्जर देन लाइफ एक्शन की, उसके विजुअल्स की। तो इन फिल्मों पर क्या है आपकी राय, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपके लिए जानकारी जुटाई थी हमारे साथी यमन ने। मैंने हारिका यादव, देखते रहिए ललन टॉप सिनेमा। शुक्रिया।